दीपका बाईपास रोड बनवाना होगा, दीपका बाईपास रोड बनाना हो। ये एसीसीएल और शासन प्रशासन से हम निवेदन करत हैं कि ये रोड ना जल्द से जल्द निर्माण करें। अभी तो ये छोटे से एक भारतीय जनता पार्टी के एक आगाज है कि ये रोड के लड़ाई ला अब हम बर्दाश्त नहीं कर सका, रोड के गड्ढा ला बर्दाश्त नहीं कर। शासन मापन सेवा देने वाले अपन वादा करते बड़े बड़े, लेकिन आज यहाँ रोड के स्थिति ऐसा का बदतर है कि यहाँ आने जाने स्कूल से लेके बच्चा मन जो पढ़ाई करे बात है छोटे छोटे तीन तीन घंटा चार चार घंटा जाम में फंस जाते। तो रोड के लड़ाई पर निश्चित ही लड़का है बेचारा फोटो खींच के आदरे से और दीपका में जाके उधर रास्ता में बीच में खत्म हो गई। वैसे है इतनी बार सिल्ली बोदा के लड़का गलती से दीपका में अपन विद्यार्थी रही से उधर अपन खाता दीपका बैंक में खोलवा पड़ी और आदर छात्रवृत्ति लेह पर और दीपका हर दीपा के बीच में वो खत्म होगी। क्या मांगा? अरे हम जानवर तो नहीं, अरे हमने यही मांगा एसीसीएल प्रबंधन से और जिले के प्रशासन से। हमने ऐसे कई आवेदन दिए, वो आवेदन कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, लेकिन हमारी मजबूरी हमारी जो परेशानी उसे किसी ने नहीं समझा, हमारी दर्द को किसी ने नहीं समझा। मनोज शर्मा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीपका भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम कर रहा था। आज जो ये सराई सिंगार चौक में जो हरदी बाजार और दीपका बाईपास रोड के दुर्दशा ल देख के हमन आज ये मेर चक्का जाम में बैठे हैं और कुछ दिन पहले पत्र के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ये रोड ला जल्दी से जल्दी बनवावा रिपेयरिंग करावा, लेकिन आज तक ये इतना एसीसीएल प्रशासन न छत्तीसगढ़ शासन ध्यान दिस। लगातार जनता क्षेत्र के हरदी बाजार और कटघोरा क्षेत्र के पूरा जनता त्रस्त है। 2 किलोमीटर के रास्ता ला कोनो 17 किलोमीटर में घूमत है, कोनो 18 किलोमीटर में घूमत है और अपन जो वो रास्ता में रेंगत है कहीं न कहीं उकर परिवार के मन डरत रहते कि ये दीपका हरदी बाजार बाईपास रोड में आदमी गए है कहूँ मोर लड़का के नुकसान जन हो, मोर घर के सियान वापिस आही कि नहीं आही, ये चिंता में डूबे रहते। हमन से सरकार से मांग कर रहे कि जल्द से जल्द चाहे एसीसीएल प्रशासन बनाए या जिला प्रशासन बनवाए, तुरंत के तुरंत ये रोड ला बनवाया जाए। एक हमन आज ये चक्का जाम में बैठे। मैं उत्तम पटेल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला के उपाध्यक्ष। आज सराई सिंगार हरदी बाजार में धरना इसलिए देना पड़ रहा है, ये चक्का जाम करना पड़ रहा है। हरदी बाजार से दीपका 5 किलोमीटर है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, न तो आज एसीसीएल प्रबंधन ध्यान दे रहा है, न जिला प्रशासन न शासन। तो आज इसी तारतम्य में इस हरदी बाजार चौक में हमने आज चक्का जाम किया है। कितने बहनों ने अपनी मांग की सिंदूर को गंवाया है और कितने पिता का साया उठा है, इसी को आज हम ध्यान में रखते हुए जनता के हित में आज ये चक्का जाम किया ताकि ये प्रशासन ध्यान दे और जब तक ये गड्ढा नहीं उठेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद।